गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सभी ठीक है बेटे? आज हम अपने जुडिशरी को ही कंटिन्यूअस रख रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट, कि भारत में हमारे देश के अंदर जो न्याय है, क्या न्याय तक पहुंच सभी की है? सभी को हमारे देश में न्याय मिलता है क्या? इसके बारे में आज बात करने वाले हैं बेटा। हमारे देश में अमीर लोग भी हैं, गरीब भी हैं, कुछ शोषित हैं, पीड़ित हैं, बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, तो उनकी अदालत तक पहुंच है क्या? उनको जस्टिस मिलता है क्या? ये सब कुछ आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। एक बार आपको रिकलेक्ट करा देता हूं पीछे का। पीछे हमने बेटा बात किया था कि जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात किया था, कि जुडिशरी का जो सिस्टम है उसमें हमने बात की थी कि जैसे कि एक क्रिमिनल लॉ होता है और दूसरा होता है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ मतलब जो कोई अपराध करता है, ऐसा अपराध जिसमें आप दूसरे को फिजिकल इंजरी पहुंचाते हो, चोट पहुंचाते हो, किसी की हत्या होती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और या कोई थेफ्ट से रिलेटेड केस हो गया, चोरी, तो दिस विल कम इनटू द एरिना ऑफ आपका क्रिमिनल लॉ, ठीक है ना? उस क्षेत्र में आएंगे, अपराध की स्थिति होगी, है ना? इसमें अपराध किया जा रहा है, किसी एक इंसान को चोट पहुंचाई जा रही है, किसी का नुकसान किया जा रहा है, ठीक है ना? तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अधीन इसकी जो है जांच होगी और उसके अनुसार फैसला होगा और जो भी सजा होगी, जो अभियुक्त है, दोषी है, एक्यूज है, उसको सजा सुनाई जाएगी। यही तरीका है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी के अंदर। आज और उसके अपोजिट में क्रिमिनल लॉ के सिविल जस्टिस है। सिविल लॉ क्या होता है उसके बारे में हल्का सा जान लेते हैं बेटा। वो सारे कानून, वो सभी कानून जिसमें इंजरी है इंडिविजुअल के, बट उसके अधिकारों को चोट पहुंचाई जा रही है, किस उसको शारीरिक चोट नहीं है, उसके फंडामेंटल राइट्स है, उनके मौलिक अधिकार है, उनको चोट पहुंचाई जा रही है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपने धन से संबंधित हो गया, जमीन जायदाद के केसेस, दैट विल कम अंडर द जरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल लॉ। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चले बेटा, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और आज का टॉपिक है डज एवरीवन हैव द एक्सेस टू द कोर्ट, हर किसी को क्या हमारे देश में न्यायालय तक उनको पहुंच है क्या? पहुंच का मतलब बेटा यहां पर यही है कि हर कोई इंसान अदालत के न्याय पा सकता है क्या? अदालत तक पहुंच का मतलब क्या उसके पास इतने पैसे हैं, क्या उसके पास इतना वक्त है, क्या एक गरीब आदमी जो डेली वेजेस के ऊपर बेचारा डेली पैसे कमाता है, उससे अपने दो वक्त की रोटी खाता है, क्या उसकी अदालत तक पहुंच है क्या? इतना पेपर वर्क, इतनी दूरी, हाई कोर्ट को अगर देखो तो आपका, अगर हम हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ में है, तो कोई रेवाड़ी में बेचारा एक गरीब रेहड़ी लगाने वाला और कोई दूसरे काम में, क्या वो अदालत के चक्कर लगा पाएगा? इतना उसको जस्टिस मिलेगा? इतना पेपर वर्क, वकील करना, कोर्ट की फीस देना, क्या वो अफोर्डेबल है क्या? अगर ये सब अफोर्डेबल है, ऐसा कहा है क्या, कहता है कि हमारे देश की जो जुडिशरी बहुत ही अफोर्डेबल है? अगर अफोर्डेबल नहीं है तो क्यों नहीं है? तो अगर नहीं है तो डेमोक्रेसी के अंदर हमारे जुडिशरी ने इसके लिए क्या तरीके अपनाए? कुछ तो किया होगा। देश में एक जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ इंसान, ठीक है ना, बेचारा गरीब, शोषित, पीड़ित, उसको न्याय देने के लिए हमारे देश की जुडिशरी ने, हमारे देश की जुडिशरी ने क्या किया, इसके बारे में आज के हम टॉपिक में यही बात करने वाले हैं। तो बेटा पहले तो अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस टू द कोर्ट इन द कंट्री। अगर
थ्योरेटिकली बात करते हैं, किताबों के हिसाब से प्रिंसिपल में बात करें तो हर एक इंसान को अदालत तक पहुंचने की पहुंच है। हर एक इंसान को अदालत तक पहुंचने के लिए प्रजातंत्र में आजादी है, कोई भी जा सकता है। अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वो अपने अधिकारों को सुरक्षा के लिए जा सकता है, उसके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है अब वो अदालत पहुंच सकता है। लेकिन अगर हम हकीकत में ग्राउंड रियलिटी पर धरातल पे बात करें, क्या वास्तव में ऐसा हो पाता है? क्या हम सोचते हैं उन गरीबों की जो डेली वेजेस अर्नर है, बेचारा जिसके पास शेल्टर नहीं है, घर नहीं है, जो मुश्किल से उसका गुजारा होता है, अगर उसको अदालतों के चक्कर काटने पड़े और कोर्ट की एक फीस देनी पड़े, जो अपने दो वक्त की रोटी नहीं कमा सकता है, उसको वकीलों की फीस देनी है, कोर्ट की फीस देनी है, पेपर वर्क कराना है, और अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बार बार अदालत के, एक लंबा वक्त लगता है अदालत के फैसलों में, तो उनको क्या पहुंच है क्या हमारे देश में? नहीं है। रियलिटी में एक्सेस टू द कोर्ट हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट। एक आम इंसान के लिए ये काफी मुश्किल भरा काम रहता है, और मेजोरिटी हमारे देश में ज्यादातर गरीब लोग हैं, मेजोरिटी में कौन है, पुअर लोग हैं। तो लीगल प्रोसीजर क्या है, अपने आप में इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड द पेपर वर्क। लीगल प्रोसीजर में काफी पैसे की आवश्यकता है और पेपर वर्क चाहिए। पुअर पीपल बेचारे, दे कैन नॉट अफोर्ड, है ना, जिसकी जो फैमिली है वही डेली वेजेस के ऊपर डिपेंड करती है, तो इनके लिए बड़ी समस्या है। तो कोर्ट ने 1980s के अंदर, या आप बात करो 1986 ऑनवर्ड्स, हमारे एक जस्टिस हुआ करते थे पीएन भगवती, उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। इन जो बेचारे गरीब शोषित जो लोग हैं, जो हमारे काफी कमजोर लोग हैं, उनके लिए अदालत में न्याय दिलाने के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, और उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं। पब्लिक मीन्स जन लोग, इंटरेस्ट मतलब उनके भलाई के लिए, लिटिगेशन मतलब याचिका, यानी कि एक आम नागरिक के बेनिफिट के लिए अदालत के अंदर एक गुहार लगाना, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इसमें जो बात करेंगे तो ये जो प्रोसीजर मैंने बताया ना कि भाई फीस देनी पड़ती है कोर्ट की, उसके बाद में इसी के साथ में जो वकील है उसकी फीस, पेपर वर्क, तो ये सारा एक एग्जेम्प्टेड हो जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा उनको चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं होती है, तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये कौन डालेगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? कोर्ट ने बड़ा आसान सिंप्लीफाइड प्रोसीजर कर दिया था। हुआ क्या था, किसी ने, बेचारे गरीब ने, और गरीब की तरफ से, किसी गरीब की तरफ से किसी दूसरे ने एक पोस्ट कार्ड के ऊपर जस्टिस के पास में एक लेटर भेज दिया कि जी हम तो अफोर्ड कर नहीं पाते और ऐसे ऐसे हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। फिर उसके बाद तो इस तरह की लिटिगेशन, चाहे टेलीग्राम हो, सिंपल पोस्ट कार्ड हो, सिंपल लेटर से भी, इवन हमारे जो कोर्ट के न्यायालय ने इस तरह की अदालतों के अंदर इस तरह के पेपर के ऊपर सुनवाई करनी शुरू की, और फिर न्याय मिलना शुरू हो गया। ये तो बड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसीजर हो गया, ना वकील करना है, ना कोर्ट के चक्कर काटने, आपने घर बैठे एक लेटर डाल दिया। फिर इसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारे केसेस इस तरह के आने लगे। भाई कोई बिहार के अंदर जेल में पड़े हुए काफी दिनों से, उनका नॉर्मल पनिशमेंट था, कोई अपराध किया उनको सजा मिली, वो पनिशमेंट का टाइम खत्म हो चुका है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद डेली वेजेस वर्नर बेचारे, कोई पुल के ऊपर काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया है वेजेस पर डे कितना पैसा मिलना चाहिए मजदूरी, वो नहीं मिल रहा है, बॉन्डेड लेबर से ज्यादा काम कराया जा रहा है, और इसी तरह की बहुत सारी समस्याओं को लेकर ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुविधा गरीबों के लिए चला, इसका इस्तेमाल किया लोगों ने, और उसके जो अदालत ने सुनवाई की और उसे उन लोगों तक बेनिफिट पहुंचा, ठीक है ना। तो इस तरह से इट अलाउड इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL। ये क्या करता है, एक इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ पीपल, कोई एक संस्था बना लेते हैं,
वो अपनी तरफ से किसी दूसरे के जिसके ह्यूमन बीइंग के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है उनकी तरफ से, आप सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई भी एक इंसान है उसको बगैर कारण बताए हुए अरेस्ट कर, किसी एक इंसान को बगैर कारण बताए हुए अरेस्ट कर लेते हैं, पुलिस कर लेती है या कोई और लोग कर लेते हैं, अपने बंधक बना लेते हैं। अब उसको तो बंधक बना लिया, तो उसकी तरफ से कोई एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो अदालत के अंदर जाए और बताए कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ, उसको कारण नहीं बताया। 24 आवर के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, वो भी उस केस में नहीं हुआ। तो हेयर दिस इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यहाँ पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, और इस केस में कोई दूसरा उनकी तरफ से अदालत में जाकर ये बात बताता है, रिटर्न में कोई एक पीएल डालता है, तो उसकी सुनवाई होने लगी। इस तरह से लोगों को, जो गरीब लोग हैं, शोषित हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम लोगों ने क्या किया, अदालत ने, हमारे देश की अदालत ने उनको न्याय देने का कार्य शुरू किया। ये तो हो गया यहाँ की बात। अब हम बात करते हैं कि इसमें बहुत सारे केसेस की हम चर्चा कर सकते हैं किस तरह से पीआईएल डालकर। देखो, एक केस आया जिसके अंदर राजस्थान और उड़ीसा के अंदर काफी ड्रॉट की कंडीशन थी, फेमाइन, ठीक है ना, काल पड़ा हुआ है, लोगों को खाने के लिए है नहीं, भोजन नहीं है, और एक तरफ हमारे जो गोडाउन है, सरकार के गोडाउन, वो भरे हुए अनाज से। तो अब ये जो एक परिस्थिति बनी है, एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, एक तरफ अनाज को चूहे खा रहे हैं गोडाउन के अंदर, सरकारी गोडाउन, तो इसको लेकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला गया और सरकार को कहा गया अदालत की तरफ से कि आप जो गरीब हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप अनाज सस्ते दामों पर दीजिए। और अदालत ने कमिश्नर, फूड कमिश्नर को इस जांच के लिए जिम्मेवारी दे दी कि आप देखभाल करेंगे, और सरकार को कहा कि आप, सरकार ने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, तो अदालत ने कहा कि एक तरफ तो आपके चूहा खा रहे हैं अनाज को, और दूसरी तरफ कह रहे हो पैसा नहीं है, सरकार को फोर्स किया, उस समय की सरकार को फोर्स किया, और उसका परिणाम ये रहा कि आज हमारे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल या फिर आप राशन की दुकानों पे बहुत सस्ते दामों पर फूड मिलता है, ये ग्रेन्स, अनाज मिलता है, और स्कूल के अंदर मिड डे स्कीम चालू हुआ, जिससे कि दोपहर का भोजन जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल या सरकार से जिसको एड मिलती है, इस तरह के स्कूलों में स्थिति बनी। ये तो हुए कुछ अच्छे कार्य, बहुत सारे हैं, हम गिना नहीं सकते, लेकिन इसी के साथ में अदालतों को हम अच्छी बातें के साथ में, जो अदालतों की तरफ से ऐसे फैसले आए उनको भी हम नकार नहीं सकते। कुछ अदालतों के ऐसे फैसले रहे जैसे इविक्शन, भाई जो लोग बेचारे शेल्टर जिनके पास रहने के लिए नहीं है, वो कहीं झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके लिए अदालत का फैसला आ जाता है कि इनको हटाइए यहाँ से, और उनको हटाकर किसी दूसरे लोगों को बसाया जाता है। तो ये अपने आप में बोलते हैं कि इनक्रोचमेंट करके जो सरकारी जमीन का ये वो कर रहे हुए, कब्जा किए हुए हैं, तो इस तरह से आप मतलब किसी के इंसान की डिग्निटी और राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, उसके साथ में उसको कपड़े पहनने के लिए मिलने चाहिए, रहने के लिए शेल्टर हो, खाने के लिए भोजन मिलना चाहिए, डिग्निटी के साथ जी पाए, तो ये सब उनके ह्यूमन के जो राइट है, राइट टू लाइफ है, वो वायलेशन होता है। तो अदालतों ने ऐसे कुछ अच्छे फैसले दिए और उसके बाद में कुछ इस तरह के प्रेसिडेंट भी हुए। कुल मिला के अगर हम बात करें तो हमारे देश में जुडिशरी का इम्पोर्टेंस है, उन्होंने आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से बचाने के लिए बहुत सारे निर्णय लिए, ठीक है ना, तो जुडिशरी अपना काम वक्त के हिसाब से अच्छा करती रही है, भविष्य में अच्छा करेगी। इसी के साथ में आज का जो ये टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है, नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा से हम हाजिर होंगे। नमस्कार, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।